क्या पढ़ाता हो? महाराष्ट्र में लिफ्ट के चैन टूट जाने के बाद जो है 7 मजदूर की मौत हो गई है, जिसमें 4 मजदूर समस्तीपुर के रहने वाले बताए गए। हम अभी वहीं मौजूद हैं टब का, जहाँ कालिदास की यह पूरा परिवार है, बताया जाता है यह उनका बेटा है और ये चार छोटा छोटा परिवार है उनके साथ। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर है कि यहाँ काम नहीं मिलने के बाद ये लोग जो है वहाँ मुंबई में रहकर ही राजमिस्त्री का काम करते थे और अपना घर का जो है भरण पोषण करते थे। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, शायद यही इनका पूरा जो है घर है और इसी यही घर में जो है इनका गुजर बसर अपना कर रहे थे। लेकिन अपने घर के भरण पोषण के लिए और बच्चे के उस शिक्षा के लिए ये बाहर जाकर बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी किया करते थे। लेकिन आज पूरा का पूरा परिवार जो है बिखर गया है। उनकी मौत के बाद पूरा परिवार जो है मातम छा गया। उनके परिवार उनकी पत्नी है, कोशिश करते हैं क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि बात करने का कितना बात सही से हो भी नहीं पाएगी, लेकिन मजबूरी है। बताइए क्या क्या सूचना मिला, क्या हुआ था, कब से कब गए थे काम करने, क्या नाम था इनका? परसों से काम कर रहा है। अच्छा, हाँ 3 दिन से काम कलकै, चौथा दिन तीसरा दिन में चले गए, 2 दिन काम कलकै तीसरा दिन। कब से वहाँ रहते थे? सब दिन रह रहा है। सब दिन रह रहा है, माँ जा 8 दिन भले घर से गेले होले रे, 1 महीना आइले बम्बई से, 1 महीना के बाद गेले। अच्छा, 1 महीना पहले आए थे। हाँ, कब गए थे यहाँ से? हाँ 4 तारीख के गेले रे, 4 तारीख के। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? हाँ 4 गो। 4 बच्चे हैं। सब पढ़ाई लिखाई करते हैं? क्या पढ़ाता यार, अब क्या पढ़ाता है, कॉर्फेन धरने रहिए रे सबके। अच्छा, 3 गो बच्चा कॉर्फेन धरने रहिए, 3 महीना 4 महीना तक रुकल रहे। कल का जा छो तोरा हम तनखा देबो भेज किना। आहा के की नाम हो? रूपम देवी। तो यह उनकी कालिदास की पत्नी रूपम देवी है, जिनका बताना है कि 1 महीने पूर्व वो आए थे और 4 तारीख को यहाँ से अपने गांव के ही कुछ अन्य लोगों के साथ जो है निकल गए थे वहाँ काम मजदूरी करने के लिए। और आज कल उनको शाम में यह सूचना मिली कि लिफ्ट का चैन टूटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इन परिवार का भरण पोषण अब कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।